फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैंने सुबह का काम था सब निपटा लिया है और मैं नहा धो के गई हूँ तैयार। पूजा भी कर ली है और मम्मी अभी नहा रही हैं, लेकिन दीदम अभी नहीं नहाया है। उसका मैंने पानी रखा है थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि दो दिन से उसकी तबीयत थोड़ी हल्की है, जुकाम हुआ हुआ है उसे और साथ में हल्का सा फीवर भी है। तो थोड़ा सा गर्म पानी दूंगी उसे नहाने के लिए और फिर हम लोग जा रहे हैं बड़े भाई सब के यहाँ। आज उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो काम तो सुबह का सब निमट गया है, बस अब मम्मी नहा कर आ जाए और एकदम तैयार हो जाए, उसके बाद हम लोग ऐसा खेल कथा के लिए निकल जाएंगे। और साथ ही में नितिन और प्रीति भी आए हुए हैं आजकल आयरलैंड से, तो उनसे भी मिलना था। उन्हें 15 दिन हो गए हैं रिश्ता आए हुए, अभी तक मैं एक बार गई हूँ उससे मिलने के लिए, तो उनसे भी मिलना है और मम्मी भी उनसे मिलाएंगी। तो इसलिए आज तो जाना, जो वैसे भी जाना ही था, लेकिन आज तो कथा का प्रयोजन है तो आज तो विशेष तौर पर जाना है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे वहाँ जाने के लिए। आओ चलो, एकदम तैयार हो गए तो कपड़े देख कैसे कपड़े मिलेगा, लाइट बंद करो, ये कपड़े फैल रहे ना के तुरंत पे, टीवी भी बंद करो, मेरी चुन्नी का लीजिए। दोस्तों, आ गई हूँ मैं भाई साहब के घर और यहाँ अभी मैं पहुँच गई हूँ किचन में, जहाँ पर सोनी बना रही है सबके लिए चाय और अनीता भी खड़ी है रसोई में ही। बाकी कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनसे आप अभी तक मिले नहीं, उनसे आज मैं आपको मिलवाऊंगी। ये है मेरी प्यारी छोटी, मैं भूल जाती हूँ, एक पंडित जी और एक आप से मिली। ये है मेरा बड़ा भतीजा नितिन, हाय करो नितिन। हेलो। और ये है मेरी बड़ी बहू प्रीति, इनसे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और हमारा डुग्गू जो है अभी सो रहा है, उससे मैं आपको जब मिलवाऊंगी जब वो उठ जाएगा। यहाँ देखिए हमारा कुचू तैयार होके घूम रहा है और वाह कितना सुंदर लग रहा है बाबू। कुचू हेलो करो, अरे देखो कुचू के हाथ में कितना सुंदर सुंदर कड़ा है, किसने दिया बाबू? बाबू किसने दिया ये, किसने दिया आपको? अम्मा लाई। अरे मेरा बाबू, बाबू छोटी लाई। बाबू कड़ा कौन लाया आपका? मौसी लाई। मौसी, मौसी की छोटी। फ्रेंड्स, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि तैयारी पूरी है लेकिन पंडित जी अभी तक आए नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं का इंतजार है। बाकी तैयारी सब पूरी कर रखी है, चौकी के लिए सारा सामान लगा हुआ है, यहीं पर रखा है। पंडित जी आएंगे तो चौकी लगाएंगे, बस पंडित जी के आने की देर है, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं नीचे बैठे हुए कि कब पंडित जी आए, कब पूजा स्टार्ट हो। तो दोस्तों, पंडित जी आ चुके हैं, आज पंडित जी थोड़ा लेट आए हैं, 10 बजे का टाइम दिया था वैसे तो पंडित जी ने, लेकिन आज मौसम भी कुछ ख़राब हो रहा था, सुबह से बारिश वारिश हो रही थी और पंडित जी को एक जगह और जाना था पूजा करने, तो वहाँ से फ्री होकर तब पंडित जी आए हैं। वैसे टाइम तो दोनों ने 10 बजे का ही दिया था, लेकिन हमने तैयारी भी कर ली थी उस टाइम तक, लेकिन पंडित जी आए हैं 12 बजे और उसके बाद फिर आधा घंटा उन्हें तैयारी वगैरह करने में लगा है और अब पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और उसके बाद कथा होगी, कथा के बाद फिर आरती होगी, प्रसाद बटेगा और उसके बाद फिर पंडित जी को भोजन कराया जाएगा। पंडित जी भोजन कर लेंगे, उसके बाद बाकी सभी खाना वाना खाएंगे। तो दोस्तों, कथा समाप्त हो गई है और अब इस समय आरती चल रही है और ये है मेरा पोता जो इस समय अपनी दादी की गोद में है और सबसे छोटा सदस्य है हमारे घर का, जिसने इसी से अभी तक आप नहीं मिले थे। तो अब आप लोग भी आरती का आनंद लीजिए। सारा सामान लगा दिया, कुछ रह गया? ए लगा दिया, इसमें कुछ रह गया? खीर बाद में ले लेंगे, अभी इतना ही बहुत है। और अब यहाँ पर हमारी खाने की थाली लग चुकी है, मैं और अनीता दोनों रह गए हैं बस खाना खाए बगैर, बाकी सब खाना खा चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर, खाना तो खा चुके हैं, बस अभी ये है कि थोड़ा गप्पे मार रहे हैं बैठ के और हम लोग अभी खाना खा ही रहे हैं, खाना खा लेके बाकी काम निमट गया है। बाकी सब प्रसाद लेके जो लोग आए हुए थे मोहल्ले के, वो सब जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं फाइनली, शाम के 7:15 बज रहे हैं और मम्मी ने तो चेंज कर लिया है अपनी ड्रेस, बस मैंने अभी चेंज नहीं किया, पहले मैं सोच रही हूँ जोत बत्ती कर लूँ उसके बाद ही चेंज करूँ,
और उसके बाद फिर मुझे शॉप पर भी जाना है, क्योंकि बहुत देर हो गई इनको बैठे बैठे, इनको भी थकान हो रही है, तो मैं शॉप पर जाऊंगी अभी अपने कपड़े चेंज करके। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।